कुर्सी उठा के उसके हम लोग का जो कॉलेज था वो उसग्रोद मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उसग्रोद में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो, मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहाँ से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि मतलब वॉर सिचुएशन हो रही है, तो कर्फ्यू लगने वाला था, तो हम लोग गए, जल्दी जल्दी सामान लिया, खाने पीने का काफ़ी ढेर सारा सामान लिया, मनी एक्सचेंज करवाया अपना अपना, और फिर उसके बाद हॉस्टल में ही रुकना पड़ा, मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं था। जैसे ही बताया जा रहा हंगरी बॉर्डर में जो है पार करने में बहुत परेशानियां हो रही हैं भारतीयों को, क्या परेशानी हुई वहां पर? हम लोग को 9 घंटे रुकना पड़ा, बैठे रहे, खाने पीने का वहां तो कुछ था नहीं, जितना जिसके पास था उतना ही आदान प्रदान करके खाए हम लोग, और पानी की थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो पीते रहना पड़ता है, तो $1 का वहाँ पे बॉटल्स मिल रहा था, तो हम लोग ने फिर वो परचेज किया, तो बस यही खाने पीने की दिक्कत थी। सरकार की तरफ से सहायता अच्छी थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम लोग आ नहीं पाते, कोई भी बच्चा नहीं आ पाता इंडिया का। इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने फ्लाइट वगैरह किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा, हम लोग घर वापस आ पाए अच्छे से। आपके साथ कितने और बच्चे थे? मेरे साथ 240 स्टूडेंट्स थे, हम लोग की 5 बसेस थी वहाँ से हंगरी बॉर्डर से जो आए, और मेरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे थे, 240 टोटल बच्चे थे हम लोग। अब तो ऑलमोस्ट निकल आए हुए हैं, मेरे जो शहर था मेरा, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे निकल आए हैं। घर आके अच्छा ही लग रहा है, मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो हाँ उन्हें देख के बहुत सही लग रहा है अब तो। मेरी बेटी आ गई, मुझे सब कुछ सकुशल आ गई, बस यही सबसे अच्छा है। लेकिन बट उधर जब जितने दिन रही तो बहुत टेंशन में रही, ऐसा लगता था कि बॉर्डर के अंदर आ जाइए, हैंगरी बॉर्डर के अंदर हो जाए तो फिर हल्की फुल्की टेंशन कम हो। इसके बाद जब ये 9 घंटा फंसी रही थी तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी, पता नहीं कब बॉर्डर तक, क्या है उनका एसोसिएशन, वहाँ कैसे बमबारी हो रही है तेजी से, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे तो बहुत डर लगता था, हमें रोना आने लगता था, सारे बच्चे इंडियन फंसे हैं, बच्चे तो सभी हैं, सभी इंडियन के हैं, लेकिन हमें सबके लिए तकलीफ थी कि मेरी तो चलो आ रही, लेकिन सारे बच्चे सकुशल आ जाए और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जब भारत सरकार ने अपना ये प्लेन जारी किया आदेश, तो प्लेन गई, तब थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे बच्चे घर वापस आ जाएंगे। मेरी बेटी मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, कहती थी मम और भी बच्चे हैं, आप घबराइए नहीं, मैं सही हूँ और सही कुशल आ जाऊंगी सब कुछ। ये 24 जनवरी को गई थी यहाँ से, और ये 26 कब का 26 को लौटी है ना, दो फरवरी को, दो मार्च को।
परिवार मेरा साहब, हमारे पति बाहर रहते हैं, साहब फर्रुखाबाद में जॉब करते हैं, बच्चा इसमें HBTI से BTEC कर रहा है, मैं इस समय अकेले थी तो मैं और घबरा गई थी घर में। दोनों बच्चे और माँ दोनों खुश हैं? हाँ, अब मैं खुश हूँ और इसलिए और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इंडियन बच्चे बच्चे हों, सकुशल सब सारे घर आ जाएं, और सरकार को थैंक यू बोलती हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि बच्चे सकुशल आ गए।